ओ आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस सीन। अब ये सुपर कूल एंड सुपर क्यूट एंड थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। देखिए ना, उम्र की सीमा हो, यहाँ पर विधि और देव अपने हनीमून के लिए पहुंचे हैं, जहां देव जो है वो थोड़ी सी रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ तक कहानी ठीक है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि देखिए, अभी तक हमने ये तो सुना है कि हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है या फिर कुछ वाइफ्स भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे देती हैं। भैया यहाँ पर सासू माँ ने गिफ्ट भेजा है अपनी बहू रानी के लिए। आई टेल यू, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये कूल है या थोड़ा थोड़ा सा नॉट सो कूल है। आपको क्या लगता है? हनीमून के लिए गोवा पहुंचे हैं और विधि पहली बार ऐसी जगह घूमने आई है। उनका कमरा लाल कैंडल्स और गुलाबों से सजा हुआ है। माहौल इतना रोमांटिक है तो रोमांस की कमी कैसे देव महसूस होने देता विधि को। लेकिन विधि तो आते ही सूटकेस खोल के अपना सामान अलमारी में सजाने लग गई। वो तो इस बात से हैरान है कि उसे इतनी बड़ी अलमारी मिली है। ये क्या विधि, आप गोवा आई है लेकिन गोवा वाले कोई कपड़े नहीं लाई अपने साथ? वो तो भला हो आपकी सासू माँ का, जिन्होंने आपके लिए ये स्पेशल ड्रेस पैक करवाई। देव की माँ जो है सत्यवती, सत्यवती ने एक पैकेट दिया था इन दोनों को कि वहीं खोलना जब हनीमून पे पहुंचोगे। तो ये जब पहुंचे तो उन्होंने खोला तो उसने देव ने देखा अंदर से एक छोटी सी व्हाइट सी ड्रेस है, बड़ी सुंदर सी। तो वो विधि देख के थोड़ी डर सी जाती है क्योंकि उसने वैसी कभी ड्रेस पहनी नहीं है। तो बस वही उनके बीच में थोड़ा चल रहा है कि वे देव उसको कह रहा है कि ये पहन ले, और वो कहती नहीं नहीं ये नहीं पहन पाऊंगी, बहुत छोटी है। तो उसको कन्विंस कर रहा है कि पहन ले, कोई बात नहीं, हनीमून है, मैं हूँ तेरे साथ। ये ड्रेस देख के देव ने विधि को कह दिया कि वो इस ड्रेस को पहने, पर ऐसी ड्रेस पहनने के लिए मौका भी तो वैसा होना चाहिए। तो विधि ने भी देव के सामने एक शर्त रखी। अच्छा, शर्त ये है कि मैं ये अपने जो शॉर्ट्स और टी शर्ट का वो पहनूंगी और ये ड्रेस भी पहनूंगी। वो जो शाम को जी कपल इवेंट होने वाला ना, जाएंगे तुम फ्री का इवेंट है, क्यों छोड़े? मतलब म्यूजिक होगा, गाना होगा, डांस होगा, बहुत मजा आएगा। आई नो बहुत ज्यादा म्यूजिक होगा, हम बंद होंगे, मतलब नहीं मान लेंगे। ठीक है, फिर मुझसे भी ये शॉर्ट्स टी शर्ट्स और ड्रेस नहीं पहना जाएगा। चलो थैंक गॉड, बिना रहे तुम अपनी डिमांड तो आ गई थी। देव विधि से बेपनाह मोहब्बत करता है, ये तो आपको पता ही है, और वो उसकी हर बात को सराखों पर रखता है। तो उसकी ये पार्टी में जाने वाली शर्त को वो कैसे ना मानता। ये दोनों अपने हनीमून पर आए हैं और इनके पीछे पीछे अम्बा भी पहुंच गई है। और जब अम्बा आई है तो जरूर कुछ ना कुछ इस हनीमून में मुश्किलें पैदा करेगी। वो हो रहा है ना, इसके लिए अम्बा आई है। हनीमून पे आई है। खैर अम्बा तो फॉलो ही करेगी देव और विधि को, अभी तो उसके पास बहुत सारे रीजंस है, सस्पेंस है, सरप्राइज है। बहुत सारे ऑडियंसेस ने एक्चुअली गेस कर ही लिया है, जो हार्डकोर फैंस है शो के उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें गेस कर ली है पहले से। बट स्टिल ये अम्बा है जो विधि का विधि के लाइफ में भी फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक तूफान लेकर आई है, कब नहीं आती। विधि आप इस पल को अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आपकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें खड़े करने के लिए अम्बा पूरी तैयारी में है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।